हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले पाकिस्तान के फेमस एक्टर अदिल चौधरी के लाइफस्टाइल के बारे में। अगर आप इनके फैन हैं तो इस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे इनसे जुड़ी बहुत सी मालूमात। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म 14 जून 1988 को कनाडा में हुआ। इनका रियल नेम अदिल चौधरी है और निकनेम अदिल है। इनकी एज 35 ईयर्स है। हाइट 5 फीट 10 इंचेस, वेट 72 kg, आईज कलर ब्लैक एंड हेयर कलर ऑल्सो ब्लैक। नेशनलिटी से ये पाकिस्तानी है और इनका मजहब इस्लाम है। एजुकेशन की बात करें तो ये एजुकेटेड है। इन्होंने अपनी एजुकेशन कनाडा में कंप्लीट की। बात अगर इनकी फैमिली की करें तो ये एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके फादर का नाम असगर अली चौधरी है, ये उनकी मदर है। पेरेंट्स के अलावा इनके दो भाई है और ये अपनी फैमिली के साथ कराची में रहायश पजीर है। करियर की बात करें तो इन्होंने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया। वो न सिर्फ मॉडल बल्कि एक्टर और सिंगर भी है। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज साल 2008 में ड्रामा सीरियल ये जिंदगी है से किया। तब से लेकर अब तक इन्होंने काफ़ी सारे सीरियल्स में काम किया और उनमें से कुछ सीरियल्स के नाम ये है: समझौता, कैसे तुमसे कहूँ, धड़कन, फरियाद, बंधे एक डोर से, रोग, मुनाफिक, मैं अगर चुप हूँ, फासिक, फर्क और मजीद शामिल है। सीरियल्स के अलावा इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है। इन्होंने ना सिर्फ लॉलीवुड बल्कि बॉलीवुड में भी काम किया है। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो यह भी अनमैरिड है। फेवरेट थिंग्स की बात करें तो इनका फेवरेट एक्टर है वहीद मुराद, फेवरेट सिंगर है नुसरत फतेह अली खान, फेवरेट डिजाइनर है करण जौहर, फेवरेट डेस्टिनेशन है पाकिस्तान, फेवरेट कलर है वाइट एंड ब्लैक, फेवरेट फूड है देसी फूड दाल चावल। बात अगर इनकी हॉबीज की करें तो इनकी हॉबीज है सिंगिंग एंड रीडिंग बुक्स। अब बात करेंगे इनकी नेटवर्थ और सैलरी की, तो इनकी नेटवर्थ है 1.5 मिलियन USA डॉलर और इनकी सैलरी है 2 लाख पर एपिसोड। आप लोगों को इनका कौन सा ड्रामा और कौन सा किरदार पसंद है कमेंट में हमें बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें।